जी दोस्त, कैसे आप लोग? मेरा नाम है रायन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टोक रिवेंजर्स के एपिसोड 18 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और तो नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको चैनल के बारे में डेली अपडेट्स मिलते रहें। और तो और हमने एक नया चैनल खोला है एनवेटॉप 2.0 के नाम से, जहाँ पर हम लोग मेनली पावर लेवल से रिलेटेड कॉन्टेंट डालेंगे। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वो चैनल चेकआउट करेगा। और तो और हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी लाइव है, तो प्लीज़ हमें फॉलो करेगा। और अब चलते हैं वीडियो पर। जी दोस्तों, एपिसोड 18 एपिसोड 17 इमीडिएटली बात स्टार्ट होता है, जहाँ पे ड्रैकन हमें बताता है कि वालहाला टोमान के बीच की लड़ाई में माइकी ने काजुटो को जान से मार डाला था, जिसकी वजह से टोमान हार गई थी। टोमान के हारने के बाद वालहाला ने टोमान को अब्जॉर्ब कर लिया था, और जो नई टोमान बनी थी वो प्रेजेंट में हम जिस टोमान को जानते हैं वो थी, जिसमें माइकी प्रेजिडेंट था लेकिन एक्टिंग प्रेजिडेंट टेटा की सखी था। टाकी मीची को ड्रैकन की बातों पर भरोसा नहीं होता, और वो कहता है कि माइकी कभी भी किसी को जान से नहीं मार सकता। ड्रैकन फिर टाकी मीची को बोलता है कि उसे ये बात कैसे याद नहीं, वो भी तो वहाँ पे था। इसके बाद टाकी मीची को इस टाइमलाइन की मेमोरीज याद आती हैं। अब इंटर के बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि नाओटो टाकी मीची जेल से निकल के आ रहे हैं। दोनों चल रहे होते हैं, तभी टाकी मीची रुक के नाओटो को कहता है कि माइकी ऐसा बंदा नहीं है जो किसी की भी जान लेगा। लेकिन ड्रैकन से बात करने के बाद टाकी मीची को पता नहीं कि क्या चल रहा है, और कि टाकी मीची के दिमाग में मेमोरीज भरी हुई हैं जिन्हें एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमें टाकी मीची की मेमोरीज दिखाई जाती हैं, जहाँ पे बाजी जमीन पे लेटा हुआ है, काजुटरा की हालत बहुत बुरी हो रखी है, और माइकी काजुटरा के ऊपर खड़ा है और माइकी के चेहरे पर खून लगा हुआ है। टाकी मीची यहाँ पर कहता है कि माइकी की आंखों को देख के लग रहा है कि वो बहुत दुखी है। इसके बाद टाकी मीची कहता है कि उसे माइकी को बचाना पड़ेगा। फिर हमें कट करके नाओटो के अपार्टमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पे नाओटो टाकी मीची को ब्लडी हैलोवीन की बैटल के बारे में बता रहा है। नाओटो टाकी मीची को बताता है कि टोमान लड़ाई इसलिए हारी क्योंकि माइकी ने काजुटो को मार डाला था, और ये सब टेटा की सखी का प्लान था। माइकी ने काजुटो को इसलिए मारा क्योंकि काजुटोरा ने बाजी को पहले मार डाला, इसका मतलब उन्हें बाजी को बचाना पड़ेगा। अगर टाकी मीची बाजी को बचा लेगा तो टेटा की सखी का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। इसके बाद नाओटो टाकी मीची हाथ मिलाते हैं, और टाकी मीची सोचता है कि वो इस बार बाजी को बचा कर रहेगा। लास्ट में पहुंच के हमें दिखाया जाता है कि टाकी मीची हीना के घर के सामने खड़ा है। टाकी मीची उसे घर के बाहर 2 मिनट रुकने के लिए कहती है, फिर अंदर से एक पेपर बैग लाती है जिसके अंदर टाकी मीची के लिए एक नेकलेस होता है। हीना फिर टाकी मीची को दिखाती है कि उसके पास भी यही सेम नेकलेस है। ये देख के टाकी मीची को उस नेकलेस की याद आती है जो उसे हीना की मदर ने उसके फ्यूनरल पर दिया था, बोलते हुए कि ये हीना का फेवरेट नेकलेस था और वो इसे हमेशा अपने पास रखती थी। इसके बाद टाकी मीची बस कहता है कि वो इसे हमेशा संभाल के रखेगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें कट करके काजुटो को दिखाया जाता है जो ड्रैकन से एक सड़क के नीचे मिल रहा है। यहाँ पे ड्रैकन काजुटो को बोलता है कि क्या वो इस लड़ाई को शुरू होने से पहले ही ख़त्म करना चाहेगा। फिर ड्रैकन बोलता है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उनके खिलाफ जीतते हैं या हारते हैं, ड्रैकन को खुशी नहीं मिलेगी। इसके बाद ड्रैकन काजुटो से पूछता है कि उसे माइकी से नफरत क्यों है। माइकी ने उसके लिए एक अच्छी खासी गवाही दी थी, और माइकी की गवाही की ही वजह से वो जेल से जल्दी निकल पाया था। इसके बाद ड्रैकन बोल रहा होता है कि क्या काजुटो जानता है कि माइकी को कैसा लगा था, लेकिन उसके बीच में काजुटो ड्रैकन काट देता है, बोलते हुए कि उसकी ज़िंदगी के 2 कीमती साल जेल में निकल गए, और कि अब काजुटोरा वो बंदा नहीं है जिसे ड्रैकन जानता था। इसके बाद काजुटोरा थोड़ा और आगे जाके रुकता है, और ड्रैकन कहता है कि उसे ड्रैकन के बारे में इस चीज़ से नफरत है, और कि वालहाला परसों टोमान को हरा देंगे। ड्रैकन काजुटोरा को बोलता है कि माइकी ये नहीं चाहता, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि काजुटोरा वहाँ से जा चुका है। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि अब माइकी ड्रैकन से बात कर रहा है। माइकी फिर ड्रैकन से पूछता है कि क्या अब वो यहाँ से पीछे नहीं मुड़ सकते। ड्रैकन फिर माइकी को कहता है कि वो अपनी बाइक से ये सवाल क्यों नहीं पूछता। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि माइकी अपनी बाइक चला रहा है। बाजी माइकी के भाई की कब्र को विजिट करने के लिए गया है, और काजुटोरा किसी बिल्डिंग के छत पर खड़ा है, और तो और मित्सुया सबवे में है। आखिर में हमें हानमा को दिखाया जाता है जो वालहाला के हेडक्वार्टर्स में बैठा हुआ है। इसके बाद हमें कट करके अगला दिन दिखाया जाता है, और यहाँ पे टाकी मीची और चीफयू चलते हुए बात कर रहे होते हैं। चीफयू टाकी मीची को उसके साथ कहीं चलने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि चीफयू और टाकी मीची बाजी से मिलने के लिए आए हैं। चीफयू बाजी से मिलते ही पूछता है कि क्या उसे किसी के बारे में कुछ नया पता चला। चीफयू फिर बाजी से बोलते हैं कि वो वालहाला में टोमान का स्पाई बन के गया था ना, ताकि वो किसी के बारे में और पता लगा सके। चीफयू फिर कहता है कि वो भी वालहाला के बाहर से किसी के बारे में जांच पड़ताल कर रहा था, और उसे किसी के बारे में काफ़ी ख़राब चीज़ें पता चली हैं।
बाजी ये सब सुन के बस चीफ्यू से पूछता है कि वो क्या बके जा रहा है। चीफ्यू फिर बाजी को बोलता है कि अगर कल लड़ाई शुरू हो गई तो बाजी सही में टोमन का दुश्मन बन जाएगा। इसके बाद बाजी कहता है कि वो अब वालहाल का पार्ट है और कि कल वो लोग टोमान को कुचल देंगे। इसके बाद टाकीमीची चीफ्यू से कहता है कि वो बाजी से थोड़ी देर अकेले बात करना चाहेगा। इसके बाद बाजी टाकीमीची को कहता है कि उसके पास टाकीमीची से बोलने के लिए कुछ नहीं है। टाकीमीची बोलता है कि उसे पता नहीं कि बाजी क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बस इतना चाहता है कि बाजी कल की लड़ाई से सिर्फ जिंदा बच के निकल लें, क्योंकि अगर बाजी मर जाएगा तो माइकी को बहुत दुख होगा। बाजी फिर टाकीमीची को बस कहता है कि वो उसका दुश्मन है और वो कल उसे मार डालेगा। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि अब शाम हो चुकी है और टाकीमीची एक पार्क में माइकी से बात कर रहा है। यहाँ पे टाकीमीची माइकी को बताता है कि बाजी ने क्या कहा। फिर माइकी टाकीमीची कहता है कि वो और बाजी इस पार्क में बहुत खेला करते थे जब वो छोटे थे और वो टाइम टू टाइम लड़ते भी थे, लेकिन उसे लग रहा है कि इस बार उन दोनों को सही में लड़ना पड़ेगा। टाकीमीची फिर माइकी से माफ़ी मांगता है कि वो बाजी को वापस नहीं ला पाया। माइकी टाकीमीची कहता है कि ये उसकी गलती नहीं है कि बाजी ने टोमान को धोखा दिया। और इसके आगे माइकी कहता है कि अब टोमान के सारे लोग लड़ने की मूड में आ चुके हैं और वो भी अपना मन बना चुका है। इसके बाद टाकीमीची अपने दिमाग में सोचता है कि माइकी अब टोमान के प्रेसिडेंट के तौर पर अपना मन बना चुका है कि वो बाजी को मार के ही रहेगा। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है और टोमान की एक मीटिंग चल रही है। यहाँ पे माइकी कहता है कि ये लड़ाई वालहाला ने शुरू करी है और ये लड़ाई जीतने से टोमान को कुछ भी नहीं मिलेगा और कि बाजी वालहाला को ज्वाइन कर चुका है, लेकिन टोमान धोखेबाजों को खाली हाथ नहीं छोड़ती और कि यही टोमान की पॉलिसी है। इसके बाद माइकी बाकी सबसे पूछता है कि क्या वो थोड़ी देर के लिए एक बच्चे जैसे बर्ताव कर सकता है कि नहीं। फिर वो कहता है कि वो अपने दोस्त से नहीं लड़ना चाहता और कि यही उसका जवाब है। फिर वो बाकी सबसे पूछता है कि क्या वो उसकी मदद करेंगे वालहाला को कुचल के बाजी को वापस लाने में और कि टोमान अपनी लड़ाइयाँ ऐसे ही लड़ता है। यहाँ पे बाकी सब के बीच में हमें किसाकी को दिखाया जाता है जो अपने आप से कह रहा है कि यही बात है। इसके बाद माइकी ड्रैकन से पूछता है कि क्या वो एक प्रॉपर प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर पाया कि नहीं। ड्रैकन फिर माइकी से कहता है कि ये हल्ला सुन के उसे अपना जवाब मिल गया होगा। इसके बाद हमें कट करके अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे लड़ाई की जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं। चीफ यू टाकीमीची से कहता है कि जो कोई भी ये लड़ाई जीतेगा वो पूरे टोक्यो पे राज करने के एक कदम और करीब होगा। और तो और इस लड़ाई ने बहुत से इंपॉर्टेंट लोगों का ध्यान इसकी तरफ खींचा है। इसके बाद चीफ यू टाकीमीची को दो लोग दिखाता है जिनका नाम हायतानी ब्रदर्स है और कि ये दोनों लोग एक आवाज़ में 100 बंदों को आराम से बुला सकते हैं। इसके बाद वो टाकीमीची को एक मोटे बंदे को दिखाता है जो एक गाड़ी के ऊपर बैठ के खाना खा रहा होता है और वो बताता है कि इस बंदे का नाम लीन मान है और कि एक बहुत ही बड़ा बाजीगर है। इसके बाद एक बंदा टाकीमीची और चीफ यू के पीछे से चलते आता है और बोलता है कि उसका नाम हानसन है, वो इकीबुकुरो क्रिमिनल ब्लैक मेंबर्स गैंग का पार्ट है और कि आज की फाइट वो ओवरसी करेगा। इसके बाद चीफ यू ने बताता है कि ये गैंग आज उस लड़ाई देखने के लिए आए हैं। फिर टाकीमीची सोचता है कि क्या ये लोग सही में सिर्फ लड़ाई खड़े होकर देखेंगे। फिर हानसन दोनों गैंग्स को अपनी एंट्री करने के लिए बोलता है। इसके बाद फील्ड के दोनों तरफ एक एक गेट खुलता है और गेट के बाहर एक तरफ टोमान और दूसरी तरफ वालहाला खड़े होते हैं। माइकी फिर चल के फील्ड के अंदर आता है और उसके पीछे पीछे पूरी टोमान भी आती है। वो हानसन के पास खड़े होकर हानसन को थैंक यू बोलता है इस फाइट को ओवरसी करने के लिए। हानसन माइकी को बोलता है कि अगर ये फाइट मस्त नहीं हुई तो वो उन सबको खुद ही पीट देगा। इसके बाद दूसरी तरफ से वालहाला एंटर करती है और वालहाला की तरफ से काजटोरा हानसन के पास आकर खड़ा होता है। इसके बाद हानसन उनसे पूछता है कि ये कैसे जाएगा, या तो दोनों तरफ के 5 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे लड़ेंगे या फिर सब लोग गैंग के सारे मेंबर्स खुल के लड़ेंगे। ये सुन के ड्रैकन काजटोरा को बोलता है कि ये लड़ाई वालहाला ने शुरू करी है को तो काजटोरा को डिसाइड करना चाहिए, लेकिन टोमान का एक कंडीशन है और वो है बाजी को बचाना, यानी कि अगर टोमान ये लड़ाई जीती तो वो लोग बाजी को वापस ले लेंगे। काजटोरा फिर कहता है कि बाजी ने अपने मन से वालहाला को ज्वाइन करा था और कि ड्रैकन की बातों का कोई मतलब नहीं बनता। फिर वो काजटोरा के एक कदम पास आता है और कहता है कि वो लोग बाजी को वापस ले रहे हैं। इसके बाद काजटोरा ड्रैकन से लड़ने पे आ जाता है। हानसन काजटोरा को रोकने की कोशिश करता है लेकिन काजटोरा हानसन को पीट देता है। इसके बाद काजटोरा चिल्ला के उन्हें कहता है कि क्या उन्हें लगता है कि ये एक खेल है, वो लोग यहाँ पे एक दूसरे को एकदम अच्छे से पीटने के लिए आए हैं। फिर हानमा माइकी की तरफ देख के पूछता है कि क्या उन्हें शुरू करना चाहिए। माइकी ये सुन के माइकी गुस्सा आ जाता है
इसके बाद टोम और वालहाला एक दूसरे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले एपिसोड खत्म हो जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बाकी वीडियो चेकआउट करेगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इसी के साथ और तो और हमने एक नया चैनल खोला है एनिमे टॉपिक्स 2.0 के नाम से, जहाँ पे हम लोग मेनली पावर लेवल से रिलेटेड कंटेंट डालेंगे। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वो चैनल चेकआउट करेगा। और तो और हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी लाइव है, तो प्लीज़ हम उसे फॉलो करेगा। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।